गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडर व्लॉग्स। मेरा नाम है युवराज और आज का व्लॉग होने वाला है हमारा जो अपनी कार ट्रिप चल रही है उसका, इंदौर टू शिरडी का। टोटल अपन लोग 410 किलोमीटर्स कवर करेंगे आज अपनी किया सोनेट में। तो जो लोग इस वीडियो में हमारे चैनल पर नए आए हैं, ये पहला वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि हम लोग ग्वालियर टू पुणे ट्रैवल कर रहे हैं हमारी किया सोनेट HTK प्लस IMT वेरियंट में। तो टोटल हम लोगों को 1300 किलोमीटर्स कवर करना है। तो उसके पहले के दो व्लॉग आप जाके देख सकते हैं, ग्वालियर टू भोपाल और भोपाल टू इंदौर का। तो आज हमारा Day 3 है, हम लोग कर रहे हैं इंदौर टू शिरडी। 410 किलोमीटर्स लगभग हम लोगों को पड़ेगा। तो अभी बज रहे हैं 12 दिन के, तो बस अभी आधे घंटे में सब रैप अप करते हैं रूम से और निकलते हैं। सो गाइस, ये ब्लू लीफ है, ब्लू लीफ बाय पपाया ट्री। यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था रात को। अच्छा है, अच्छा है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो आगरा मुंबई हाईवे पे ही आपको ये मिलेगा, तो आप लोग स्टे कर सकते हैं यहाँ भी। सो गाइस, फाइनली लीव कर दिया है होटल और ये थी ब्लू लीफ बाय पपाया ट्री। अच्छी प्रॉपर्टी थी। और अभी हो रहे हैं 11:50। अराइवल 409 किलोमीटर का ट्रैवल है, टोटल 8 घंटे लगने वाले हैं, रात के 8 बजेंगे। सो ये है आगरा मुंबई आगरा हाईवे। सो कल मैं आपको बता रहा था लास्ट व्लॉग में कि चार्टेड चलती हैं और चार्टेड के ट्रक भी चलते हैं, मेरे को आज पता चला। मेरे को तो बस का पता था जहाँ तक है, वॉल्वो चलती हैं उसकी, बट ट्रक्स भी हैं ये आज पता चला। सो हम लोग चल रहे थे और ये वार्निंग शो होने लगी। तो ये टायर प्रेशर की वार्निंग रहती है कि टायर प्रेशर कम है। TPMS जो फीचर है इसका, वो उससे ये शो हुआ। तो फिर हम लोगों ने सर्च किया कि भाई है क्या ये चीज़, तो पता चला TPMS का आ रहा है। तो वही पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, कराते हैं, चेक कराते हैं कितना कम है। इसमें तो शो हो रहा है कि 29 था एक में, वैसे इतना चलता है क्योंकि आप हाईवे पे चल रहे हैं, प्रेशर इसमें बढ़ेगा ही थोड़ा बहुत। तो ठीक है, 30-35 का रखना चाहिए। अब भरवाते हैं, देखते हैं। पूरे पहाड़ को शायद काटा है जो है ना हाईवे निकालने के लिए। इतनी मक्खन चल रही है ना इसपे, एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखा तब चली गई है सब। हाँ। सो गाइस, अभी हम लोग चल रहे थे और यहाँ पे ये घाट स्टार्ट होता है। तो इतने सारे सिंबल्स हैं, ये मतलब इतनी जगहों पे लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट होता है तो आराम से चलें। और इसलिए शायद बीच में ये लगा रखा है, मतलब हाईवे पे भी ये सिंगल लेन टाइप कर रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा होते होंगे। और पिछले 1 किलोमीटर से, मतलब ये आप देखो कितने सारे लगे ही हुए हैं। तो आप लोग भी अगर इधर आते हो और अगर रात में बाई चांस आप ट्रैवल कर रहे हो, सो इंदौर से लगभग 60 किलोमीटर्स आगे तो एक एक्सीडेंट है ही है। ये देखो, ये मतलब वहाँ से 1 किलोमीटर पहले से लिखा ही हुआ है प्रॉपर कि आराम से चलें। और ये देखो, वो शायद क्योंकि बहुत नीचे को वो है, मतलब ढलान है फिर चढ़ाई है, इस वजह से शायद ब्रेक्स नहीं लग पाते या जो भी। बट बहुत यूनिक लगा, अपन बहुत जगहों पे देखा है कि आगे मतलब सावधानी से चले इंदौर, बट यहाँ पे 1 किलोमीटर से कम नहीं तो 20-30 वोट लगे थे कि आराम से चलें। सो अगर आप इस साइड आते हैं और 50-60 किलोमीटर हम लोग आए हैं इंदौर से, तो आराम से चलना। रात में आ रहे हो तो और ही आराम से, क्योंकि ये ब्लैक यही नहीं देखेंगे आप। तो गाइस, इंदौर से तो अपन 78 किलोमीटर आगे आ गए हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। वहाँ पे तो ब्रेकफास्ट किया नहीं था क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 12 बजे तो निकले थे वहाँ से, तो हम लोग सोचा आगे कर लेंगे। तो ये यहाँ पे हाईवे रिट्रीट है, तो यहाँ पे ब्रेक लिया है। और बाकी अभी तक का हाईवे तो बहुत सही था, मतलब मेरे को तो बहुत सही लगा। और वो आपको घाट सेक्शन दिखाया ही, वो मतलब थोड़ा वहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा साइन बोर्ड से और हो भी रखा था एक अपने सामने। तो चलिए ऑर्डर करते हैं, कुछ ग्राइंड करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ से भी ब्रेकफास्ट करके भी हम लोग निकल गए, और ब्रेकफास्ट अच्छा था, जो हमने मंगाया, डोसा मंगाया था, मैगी मंगाया था, तो अच्छा था, मतलब टेस्ट तो बहुत अच्छा था, फ्रेश भी लग रहा था। और बाकी अगर आप आ रहे हैं तो ये मिडवे ट्रीट करके था, और इससे 1 किलोमीटर आगे आएंगे ना, कौन सी जगह थी वो,
क्यू फूड प्लाजा तो वो भी बहुत अच्छा दिख रहा था हम लोगों को, तो मतलब आप वहाँ भी ले ट्राई कर सकते हैं। हम लोगों ने तो जहाँ पे ट्राई किया उसका रिव्यू सही है, अच्छा लगा हम लोगों को। तो गाइस आज का दूसरा टोल है ना, ये दूसरा तीसरा है शायद, तो ये आज का तीसरा टोल है और इसके थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र बॉर्डर आ जाएगा। तो टोल से कल हम लोग जब रात को डिस्कस कर रहे थे कि आज कितना टोल टोटल कटा, तो वैसे हम लोगों से शायद 7 टोल क्रॉस हुए थे बट पेमेंट सिर्फ 6 टोल का कटा। तो मैंने मतलब जनरली सुना है कि 2 बार टोल कट जाता है या बाकी सब, बट हमारे साथ उल्टा हुआ, एक जगह टोल ही नहीं कटा। तो हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा, पेमेंट हिस्ट्री में तो उसमें भी नहीं, पेटीएम का फास्टैग है तो उसमें हिस्ट्री में देखा, हिस्ट्री में कटा ही नहीं था। तो ऐसा भी होता है, लोगों का 2 बार कटता है, अपना एक भी बार नहीं कटा। हाईवे तो बहुत बेहतरीन है अभी तक। तो अभी भी एमपी चल रहा है, आने वाला है महाराष्ट्र बॉर्डर, और वो मतलब जितना सुना है अभी तक, अभी लगभग 246 किलोमीटर रह गया है और 5 घंटे की जर्नी, मतलब कितना है 50 की स्पीड है ना, ऑन एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। हम लोग पहुँचेंगे, अभी तक तो भाई एक नंबर हाईवे है, बट जो सुना है वो ये है कि महाराष्ट्र के हाईवे उतना अच्छा नहीं है। अभी देखते हैं कैसा है, बाकी एक्सपीरियंस अपन बताएंगे। सो फाइनली अब मैं आ गया हूँ ड्राइविंग सीट पे। तो आज अभी चल गई है 190 किलोमीटर्स और 19.3 का एवरेज दे रही है, और पूरे टाइम एसी ऑन था अपना, तो अच्छा एवरेज है ये। तो अब मैं चलाऊँगा तो पक्का ये नीचे जाएगा। तो अब अभी बचा हुआ है अपना 218 किलोमीटर्स और 4:50 हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन। सामने से आने वाली लेन है उस पर काम चल रहा है, तो किस्मत अच्छी है, गनीमत रही कि जो सर्विस लेन है उस पर भी जाम था लेकिन वो उस टाइम खुल गया, तो अपन लोग सबसे पहले निकल आए हैं। अभी यहाँ पे 20 मिनट का डिले दिखा रहा था बट जल्दी फ्री हो गए। अपन लोग आगरा मुंबई हाईवे चल रहे थे और वहाँ से जो मालेगांव आता है, अगर आपको शिरडी आना है तो वहाँ से आपको लेफ्ट मतलब फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के बगल से नीचे आना होता है। उसके बाद ये शायद स्टेट हाईवे होगा, मतलब डबल लेन ही है ये, तो ये पूरा यहाँ से मालेगांव से शिरडी तक सिंगल मतलब ऐसा है, एक एक लेन ही है इसमें। और ये भाई थोड़ा मतलब क्योंकि इस पे ट्रक्स भी हैं और ट्रक्स की लाइट जब अपनी कार वाले के आंखों पे जाती है तो कुछ दिखता है नहीं, पूरा अंधेरा है। तो मतलब अगर आप लोग आ रहे हैं तो इसी वजह से ना यहाँ पे 70 हम लोगों को 100 किलोमीटर दिखा रहा था और लगभग दिखा रहा था 2.5 से 3.5 घंटे, तो वो इसी वजह से था क्योंकि यहाँ पे 40-50 साहब ऊपर 40 से ऊपर जा ही नहीं पाओगे, ट्रैफिक भी अच्छा खासा है और लेन भी ऐसे सिंगल ही है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये सोचो कि इसको आप 3 बजे के लगभग मालेगांव तक आ जाओ, जिससे आप लोग जल्दी मतलब क्रॉस कर लोगे। दिन में कोई ऐसा इशू नहीं है लेकिन रात के टाइम आप देखो पूरा अंधेरा है, मतलब पूरा अंधेरा है, तो आपको थोड़ा मतलब रिस्की रहता है चलाना। और फैमिली के साथ हैं आप लोग तो दिन में 3 बजे तक आ जाओ मालेगांव, तो फिर आप 6 बजे तक यहाँ पे आ जाओगे अगर आप अभी सर्दियों में आ रहे हो, बाकी गर्मियों में तो 8 बजे तक उजाला रहता है तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन भाई रास्ता बहुत ही मतलब हम लोग सोचते 100 किलोमीटर्स हैं कर लेंगे,
लेकिन नहीं ऐसा नहीं है आपको मतलब वो तो। और इसमें भी जैसे अपनी IMT है भाई, जो टर्बो इंजन है इसका, मतलब भाई एक नंबर। अभी आपने देखा फुल थ्रॉटल दिया और एकदम भगती है, तो सही है। बाकी चलिए अभी चाय के लिए रुक गए थे हम लोग स्टार्टिंग जब ये हाईवे की हो रही थी। चलिए तो देखते हैं अब आगे करते हैं, 77 किलोमीटर सब बचा हुआ है बस, फिर एंड करते हैं हम लोग। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और हम लोग आ गए थे तो शिरडी में हम लोगों ने होटल में चेक इन किया और फिर खाने आ गए थे बाहर। तो अपन कहाँ पे खाया अपन ने? मधुबन करके जगह थी, रेस्टोरेंट था, तो उसका ट्रिप एडवाइज़र पे सबसे अच्छा रिव्यू था, तो वहाँ पे खाया, अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा, आप ट्राई कर सकते हो अगर आ रहे हो तो। और यहाँ से जो गेट है, मतलब जहाँ पे टेंपल का जो गेट है, वो हमारे होटल से 3 किलोमीटर है, है ना। हम लोग रुके हुए हैं सफायर रिजॉर्ट, है ना, सफायर रिजॉर्ट में, वो भी अच्छा है, मतलब थोड़ा आउटर में है, हाँ थोड़ा आउटर में है लेकिन सही है। पार्किंग स्पेस है अगर किसी को अपनी गाड़ी, हाँ अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है और थोड़ा उसे सेफ रखना है, मतलब इसे ओपन में ना नहीं रखना, तो वो अच्छा है। और बाकी आज हम लोगों ने टोटल कवर किया है 410 किलोमीटर हम लोगों को पड़ा और 16 का माइलेज दिया है कार ने। तो मतलब ये आज का माइलेज है और ओवरऑल जो माइलेज है वो 15 का रह गया है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया जो यहाँ का रास्ता था, मतलब इंदौर ये कौन सा मालेगांव के जो बाद से रास्ता था, तो वो थोड़ा ऐसे ही था, इस वजह से एवरेज बहुत गिर गया। पहले वो 19 था, मैंने आपको बताया था मैंने जब से कार ली, फिर वो 15 है ना, 15 का हो गया, 15-16 का हो गया। तो चलिए एंड करते हैं इस ब्लॉग को। बाकी रास्ता कैसा था पूरा आपको मैंने जितना हो सकता था मैंने बताया, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई, जो मेन पॉइंट्स थे और जो मतलब अलग चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। सो यहीं पर चलिए व्लॉग को एंड करते हैं। आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।